12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगातार रैलियों व जनसभाओं में शिरकत कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य बिलासपुर पहुंची, जहां उन्होंने कुठेड़ा में आयोजित रैली में शिरकत कर कांग्रेस उम्मीदवार बंबर ठाकुर के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील की। वहीं अनुमा आचार्य का कहना है कि भाजपा के संकल्प पत्र में जितनी भी घोषणाएं की गई है, इसमें केवल भाजपा ने धर्म कार्ड का खेल खेला है, जबकि सीएम जयराम ठाकुर का फेस ही गायब है। इसके साथ ही अनुमा आचार्य ने इस बार प्रदेश की 68 सीटों में से 50 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। माहौल बिलासपुर में भी और पूरे हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस के तरफ बन रहा है और कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी। और आज आपने वो भी देखा होगा कि बीजेपी ने अपना एक दृष्टि पत्र निकाला है जो बिल्कुल अंधा करने के लायक है, क्योंकि आप अब देखेंगे कि उन्होंने इस प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा साक्षर है केरल के बाद, और यहाँ महिलाओं का अनुपात भी इतना ज़्यादा है, यहाँ उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, धर्म का कार्ड खेला है यहाँ, जबकि जयराम ठाकुर जी का चेहरा गायब कर दिया है। उनका कोई अच्छा काम होता तो उस पर खेलते वो, और यहाँ नड्डा जी रोज सुबह शाम बैठे हुए हैं, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, लोगों को उपहार देने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति 1993 से कहता रहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे कारण वोट दो, वो व्यक्ति आज यहाँ पर इस हालत में आ गया है कि चौराहे चौक घूम रहा है। और ये हमें पता है कि कांग्रेस की जो 10 गारंटी है वो हर तबके के बारे में है, हर एक को उसने सहेजा हुआ है। तो ऐसे में बहुत साफ दिखता है कि बिलासपुर की चारों सीटों पर कांग्रेस बीजेपी पर भारी रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी तो अभी थोड़े समय पहले आई है और उसने बनी बनाई दिल्ली, जो कि एक परोसी हुई थाली थी, उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा के और कह दिया कि ये हमने बनाया है, जबकि उन्होंने तो कुछ नहीं किया है, शीला दीक्षित जी ने ही बनाया था दिल्ली को। और आज वो कांग्रेस के किए हुए कामों पर अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं। दिल्ली की हालत देखिए, ये 10 साल से है, क्या कर रखा है, दिल्ली में धुंध हो रखी है, धुआं हो रखा है, लोग खांस रहे हैं, उन्हें अस्थमा हो गया है। ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली में धुंध कर दी है, वो हिमाचल में धुंध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम साफ है और कांग्रेस के फेवर में है। हम मंदिरों के अनुदान डबल करेंगे, हम पुजारियों के मानदेय डबल करेंगे, हम जीर्णोद्धार में पैसे लगाएंगे। तो आज आपने देखा बीजेपी ने उसकी कॉपी कर रखी है और हम यहाँ एक मानव संग्रहालय रखने की बात कर रहे हैं शिमला में, जिससे यहाँ की जाति जनजातियाँ आदिवासी उन सब के बारे में बात है। तो कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जो हिमाचल की हिमाचलियत बरकरार रखने की बात करती है। और आप पत्रकारों के लिए भी एक राहत कोष होगा, पेंशन की स्कीम है, और उसके अलावा मीडिया सेंटर्स बनेंगे। तो हर तरह से हर तबके का ख्याल रखने वाली कांग्रेस, जो देश को 68 साल बहुत अच्छा चला सकी, उसी कांग्रेस के फेवर में पूरे हिमाचल की जनता। मैं 50 के ऊपर देख रही हूँ और ये बहुत कंजर्वेटिव, मेरा बहुत ही, मतलब जिसे कहेंगे बहुत ही कंजूसी के साथ, मैं इसे 50 पर मानती हूँ।